नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे आपके अपने YouTube चैनल नोटिस एंड स्वरलिपि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कैसियो का SS77 म्यूजिकल कीबोर्ड, तो फ्रेंड्स इसको अनबॉक्स करते हैं। ये अमेजन द्वारा अभी आया है, बिल्कुल डिलीवरी टाइम पे पहुंचा है। आप देख रहे हैं इसके साथ एक अडेप्टर भी फ्री आया है। ये हालांकि अब कैसियो ब्रांड क्या कर रहा है कि जो अडेप्टर देता है साथ में फ्री, ये कैसियो ब्रांड का नहीं होता। ये ज्यादातर मैं देख रहा हूँ LED 6A करके देखा मैंने, अब ज्यादातर ये आता है। जो सस्ते छोटे कीबोर्ड है उनमें इस तरह का एडेप्टर दे रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। साथ में एडेप्टर फ्री है, कैसियो का नहीं है, लेकिन मैंने 3-4 और भी देखा है ऐसे जो साथ में फ्री में आ रहे हैं, लेकिन कैसियो के नहीं है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। आप देख सकते हैं विल इन वाइज, और ये साथ में ये मेरे ख्याल से वारंटी कार्ड होता है, वारंटी या रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ में इसमें लगा हुआ होता है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम अगर इसमें रजिस्टर्ड रहेंगे अमेजन पे तो आगे किसी तरह की इश्यूज ना हो, उसके लिए साथ में ये लगाते हैं यहाँ पर, या फिर बिल इनवाइज होगा। ये आप देख सकते हैं ये पड़ा हमें 3,415 रुपये का। यदि आपको दिख पाए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत बारीक लिखा हुआ है आपको अगर यहाँ पर दिखेगा 3,415 रुपये आपको यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा, और यह भी दिख रहा होगा 3,415 ओनली। तो फ्रेंड्स अब इसको अनबॉक्स करते हैं। साथ में यूजर मैनुअल और इंस्ट्रक्शंस की बुकलेट जो होती है ये भी आई है कि हाउ टू ऑपरेट दिस SS77 इसमें होना चाहिए। और ये बाहर से फॉर्म बेस कवर आपका फर्स्ट व्यू आप देख सकते हैं इस तरह का है। और दोस्तों देखते हैं एक प्रॉब्लम नजर आई कि ये की उखड़ रही है, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। देखते ही आप देख रहे होंगे खोलते ही यहाँ पे पहली की उखड़ी हुई है, हालांकि अभी ये ठीक हो गई है, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं थी। अभी बजा करके देखेंगे बजने में कैसा है, ये यदि ठीक बजता है तो ओके है, अभी ऐसे में कोई प्रॉब्लम नज़र आ नहीं रही है। अभी बजने में इसके साउंड देखेंगे। एक्चुअल में आप एक बात और देख रहे होंगे, और जितने भी हमने सामान मंगाया सबके साथ डबल ट्रिपल पैकिंग होती थी, इस बार इन्होंने डायरेक्ट इसके अंदर ये कीबोर्ड पहुँचाया, बबल पैकिंग नहीं थी। और बाहर का एक और जो मोटा गत्ता रहता है उसमें भी ये पैक नहीं था, डायरेक्ट इसी के अंदर पैक था। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि ये अमेजोन की या इस कैशियो की प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल होता ये है कि डिलीवरी बॉय जब ये सेंटर पे पहुँचता है तो जैसे मैंने पाया अपने परिचितों से सुना कि बहुत दूर उनके ट्रक होते हैं वहाँ से फेंकते हैं इस तरह से, क्योंकि सबको जल्दी अपना काम करना रहता है। तो कई बार ये लोग ये सोचते हैं कि पैकिंग इसकी अच्छी होगी, नहीं टूटेगा फूटेगा, होता क्या है कि वो गिरता है ज़मीन पर वहाँ से टूट फूट जाता है। तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी तरह से नहीं पहुंचाई गई, थोड़ा बहुत ये खुला हुआ था जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका गत्ता है जो ये टूटा हुआ था यहाँ पर, हो सकता है इसी तरह का कुछ लगी होगी कीबोर्ड को। अभी हम बजने में देखेंगे बजने में कैसा है। और ये पन्नी भी पहले से ही फटी हुई थी। ये जनरली कैशियो या अमेजन बहुत अच्छी पैकिंग करके भेजता है, पर किस तरह की प्रॉब्लम इसमें आई ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते पहले ये बजने में कैसा है। यदि ये बजने में ठीक निकला तो इसके बाद मैं इसके थोड़ा फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा कि ये 3,415 रुपए में कैसा है, पैसा वसूल है या नहीं है। वैसे कोई भी कैसियो यदि आप लें, कैसियो को कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लें, इतनी जल्दी खराब होता नहीं, चाहे आप कैसियो का लें, चाहे यामा का लें, चाहे रोलैंड या कॉर्ग का लें, इतनी आसानी से खराब होते नहीं है ये, 20-30 साल आराम से चल जाते हैं। पर अभी हम इसको बजा करके देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा था जैसे की उखड़ गई हो, तो आइए इसको थोड़ा सा बजा करके देखते हैं। इसको इंस्टॉल कर देते हैं, आप देख रहे हैं केबल भी काफी ठीक ठाक लंबी है। पावर इनपुट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट हो रहा है, हमने फिट करा, अभी मैं प्लग इनपुट कर देता हूँ। अब आप देखिए पावर ऑन करता हूँ, ऑन होता है या नहीं होता है, ये ऑन बटन है, ऑन हो चुका है। नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 00 मेलोडी लिखा हुआ आ गया,
इसकी मैक्सिमम साउंड है। अब देखिए सबसे पहले जब हम कीबोर्ड लेते हैं तो सारी कीज चेक कर लेनी चाहिए, बज रही है कि नहीं बज रही है। सारी बज रही है, ब्लैक कीज भी सारी बज रही है। अब देखिए सारी बज रही है। इसके अलावा परकसन पैड, सॉन्ग बैंक काम कर रहा है, टेम्पो कम तेज करने के लिए टेम्पो भी, टेम्पो बटन भी काम कर रहा है, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए वॉल्यूम भी अप डाउन हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ठीक काम कर रहा है। ऑटो अकंपनी का बटन इसमें इसमें दिख नहीं रहा है, तो ऑटो अकंपनी इसमें नहीं होगा। ये हारमोनियम की आवाज भी इसमें वन टच हारमोनियम के लिए बना हुआ है। यहाँ पर पियानो भी हो जाएगा। इसके अलावा अदर आवाजें इसमें और भी होंगी। इसमें 100 टोन्स दिए हुए हैं, 50 रिदम पैटर्न्स हैं और 10 सॉन्ग बैंक हैं। के बारे में कुछ और भी बताऊंगा। फिर आपने एक नज़र देखा इसको, ये कैसा है। और ये सेल से भी चलता है, सेल या बैटरी से भी चलेगा। और फोन के लिए आउटपुट जैक भी इसमें दिया हुआ है, ईयरफोन या हेडफोन के लिए भी आउटपुट जैक दिया हुआ है। और यहाँ से ये सेल लगाने के लिए भी, इसको खोलेंगे तो यहाँ से सेल भी लग जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ओपन करने का है, 9.5 या 7.5 वोल्ट या वाट के सेल इसमें लगेंगे। 9.5 लिखा हुआ। तो ये है SS77A जो कि हमें पड़ा है 3415 रुपए का। आप देख सकते हैं SS77 इसमें लिखा हुआ है। कुछ इसके और फंक्शन में आपको समझाता हूँ। देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये मैंने 41 नंबर की जो टोन है, 41 जो है स्ट्रिंग के अंदर आएगा, स्ट्रिंग एंजेंबल के अंदर। इसी तरह से ब्रास है 46 से 53, इस तरह से इसमें टोन्स दिए हुए हैं। तो टोन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है कि इस बटन को दबाना है। ये डायरेक्ट पियानो लग गया, दोबारा दबा देंगे तो हारमोनियम लग गई। फिर यहां से चेंज कर लो,
जो सीरीज यहाँ दी हुई है टोन्स की, पहले पियानो, तो 00 से 11 तक पियानो है, यानी कि 12 नंबर तक पियानो है। उसके बाद फिर 00 पे ग्रैंड पियानो है, 08 पे वाइब्राफोन है, और 12 से 19 तक ऑर्गन है, यानी कि आप डायरेक्ट नंबर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये चाहे तो ++ दबा करके भी आप नंबर कम और ज्यादा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें हारमोनियम भी है, ये काफी अच्छी बात है। और जो इसका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी काफी अच्छी क्वालिटी में इन्होंने दी भी है। ये देख सकते हैं स्ट्रिंग की क्वालिटी काफी अच्छी है। और 81 से 85 के बीच में इन्होंने कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट, सितार, संतूर वगैरह भी दिए हुए हैं। हम 81 लगा के देखते हैं। सितार है, ये संतूर लग गया, संतूर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो मेन इंस्ट्रूमेंट तो ये हो गए, और रिदम पैटर्न भी, जैसे मैंने कहा कि 50s में रिदम पैटर्न है। ये 22 नंबर की लग गई है, 22 नंबर का मतलब है कि ये 19 से 27 लैटिन के बीच में कहीं पर है। ये इस तरह से आप डायरेक्ट प्लस बटन से भी आप रिदम पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्गो का आपने सुना होगा, स्कूल में जो बजता है उस तरह का बज रहा है ये। और इसके अलावा अब आपको मैं एक बात और बताऊंगा कि सीखने के हिसाब से फ्रेंड्स ये बुरा नहीं है, हालांकि आप प्रोफेशनली प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कोई किसी कीबोर्ड को प्रोफेशनली यूज़ करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी फंक्शन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, जैसे कि एडिटिंग का इसमें नहीं होगा, क्योंकि इतने में इतना ही मिलेगा, कम दाम में इतना ही मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन मेमोरी नहीं होगी, इसके अलावा इसमें RPG पैटर्न्स नहीं होंगे, इसके अलावा अकंपनी कॉर्ड सेक्शन का इसमें नहीं है, या स्पीड फंक्शन नहीं है, या टच का एक फंक्शन होता है कि धीरे टच करो तो धीरे बजेगा, जोर से टच करो तो जोर से बजेगा, वो इसमें नहीं मिलेगा। ये बड़े कीबोर्ड में जैसे कि ये है WK 6300 के आसपास मिला था, और ये 6300 है, CTK 6300, ये आपका लगभग 16-17 हज़ार की रेंज में मिलता है, अभी तो ये सीरीज बंद हो गई। इसके अलावा आपको वहाँ पर दिख रहा होगा CTX 9000, इन सब में वो एडवांस फंक्शंस है जो किसी भी कार्यक्रम के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सिर्फ सीखने के मतलब का अच्छा है, सीखने का आप इसमें बहुत अच्छा सीख सकते हैं, सीखने के लिए ये कीबोर्ड बुरा नहीं है। इसमें हारमोनियम की आवाज़ है, हाँ इसकी कीज़ आपको थोड़ी छोटी लग सकती है, लेकिन सीखने के लिए ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यदि बिगिनर हैं, बिल्कुल सीखना चाहते हैं, प्रोग्राम नहीं चाहते हैं, प्रोग्राम के हिसाब से नहीं खरीदना चाहते हैं, केवल सीखने के लिए खरीदना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। फ्रेंड्स प्रोग्राम के लिए यदि आपको खरीदना है तो सबसे कम रेंज में जो आता है जितना मैंने देखा है वो है CTX 700। उसमें रजिस्ट्रेशन मेमोरी से मतलब है कि जैसे मुझे अगर आवाज़ चेंज करनी है, हारमोनियम के बाद बांसुरी लगानी है या संतूर लगाना है, तो मुझे बटन दबाने पड़ेंगे, यहाँ पर ये नंबर पैड दबाना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। जैसे कोई टोन 100 नंबर पे है तो मुझे 100 दबाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। जबकि इन बड़े कीबोर्ड्स में क्या है कि हम उसको रजिस्ट्रेशन मेमोरी के अंदर सेव कर देते हैं, एक बार टच किया तो जो भी आपको टोन जो आपने लगा रखी है वो ऑटो लग जाती है उसमें। बांसुरी के बाद आप हारमोनियम बजाना, हारमोनियम पर संतूर बजाना, तो एक ही की प्रेस करके सीधा से वो टोन एक्टिवेट हो जाता है। तो ये छोटे कीबोर्ड में ऐसा नहीं होता, पर सीखने के लिए बहुत अच्छा है, पैसा वसूल है, आप इसको ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था पहले की उखड़ रही थी, की उखड़ नहीं रही थी, की थोड़ा सा ऊपर को उठ गई थी, यहाँ से ना थोड़ा सा जोर पड़ा होगा, ये मिस हैंडलिंग की वजह से हुआ था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, सजेस्ट करूँगा कि आप इस कीबोर्ड को ले सकते हैं। आपको यदि ये रिव्यूज पसंद आए, अनबॉक्सिंग पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप